श्री नैना देवी मंदिर के पीछे की पहाड़ी की ग्राउंडिंग को लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ की एक टीम श्री नैना देवी में पहुंची और अपना कार्य शुरू किया। मंदिर न्यास के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर तथा मंदिर न्यास के सहायक अभियंता प्रेम शर्मा इस दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम के साथ उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले GIC के डायरेक्टर के साथ मंदिर न्यास के आयुक्त पंकज राय के साथ इस पहाड़ी की ग्राउंडिंग के लिए एक मीटिंग हो चुकी थी, जिसके लिए मंदिर के पीछे भाग की पहाड़ी को और पक्का करने की कार्य योजना तैयार की जा रही थी। मंदिर के पीछे की तरफ पहाड़ी एवं चट्टाने गिरने के कारण मंदिर न्यास मंदिर के साथ लगती सारी पहाड़ी की ग्राउंडिंग के लिए लगातार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के साथ संपर्क में थे, ताकि मंदिर की पहाड़ी को कोई खतरा ना हो। इसके लिए इसकी ग्राउंडिंग करवा कर इसे टिकाऊ व मजबूत बनाने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के साथ संपर्क में थी। जियोलॉजिस्ट की जो टीम है चंडीगढ़ से यहाँ पहुँच चुकी है। इसका पिछले दिनों में प्रस्ताव डाला गया था ट्रस्ट में कि ये देखा जाए कि पहाड़ियाँ जो है वो पक्की कैसे की जा सकती हैं, तो ये फैसला किया गया था कि जियोलॉजिस्ट को बुला के पहले चेक करा लें। तो वो टीम जो है वो आ चुकी है, तो जितनी पहाड़ियाँ साथ में मंदिर के साथ साथ जो पहाड़ियाँ हैं उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो इसके लिए मैं